अजीत वैब टीवी देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा, प्रोग्राम बुलंद हौसले लैके हाजिर हाँ। टीवी चैनलों के उत्ते एक इश्तिहार प्रदर्शित हुंदा है जिदे विच कहा गया है कि डर के आगे जीत है। तो इस इश्तिहार का इस लाइन का अर्थ यह है कि जिंदगी दे विच कुछ भी असंभव नहीं है। जेकर असी मुश्किलों तो डर के घबरा के पिछे खड़े रहांगे तां कदे भी असी अपनी मनचाही मंजिल फतेह नहीं कर सकते। तो जिहड़े लोग डर तो घबराउंदे नहीं ने, जिहड़े लोग लगातार अगे वधदे रहिंदे ने, उह इक ना इक दिन मंजिल जरूर प्राप्त कर लैंदे ने। इहो जिही एक नौजवान है चंदीप सिंह, जिहड़ा मूल रूप दे विच जम्मू कश्मीर दा रहण वाला है। इस नौजवान दीआं दोनों बाहां नहीं ने, पर यह बाहां ना होण दे बावजूद स्केटिंग मुकाबलियां दे विच लगातार बाजी मारदा है। इस नौजवान दे वल्लों अपने पैरां दे नाल कंप्यूटर भी चलाया जांदा है, तो यह नौजवान पैरां दे नाल लिख भी लैंदा है। स्केटिंग मुकाबलियां दे विच इहने हुण तक बहुत थावां दे उत्ते मान सन्मान हासिल कीते ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दे वल्लों इहनां नूं हौसला अफजाई वाला सन्मान दित्ता गया है, तां जो इह भविख दे विच वी कुछ होर कर सकण। अजीत वैब टीवी दे वल्लों इस योधे नौजवान, इस जांबाज़ नौजवान, इस हौसले वाले नौजवान की एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है जो सब की नज़र है। पैरों में स्केट्स पहन के ये जो नौजवान हवा नाल गल्लां कर रहा है, बचपन में ही एक हादसे दौरान करंट लगन करके ये अपनियां दोवें बाहां गवा बैठा सी, पर फिर भी इस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी ते अपना नाम रोशन करने वास्ते खेडां दा रास्ता चुनिया। इस रास्ते उत्ते उह सफल भी होया। नैशनल पद्धर खेड चुका जम्मू का चंदीप सिंह इंटरनैशनल पद्धर उत्ते खेडण की इच्छा रखता है। वह होरां नौजवानों भी खेडां विच हिस्सा लैण लई प्रेरित करता है। बारहवीं क्लास विच पढ़ रहा चंदीप सिंह अपनियां बाहां ना होण करके निराश नहीं है। भावें वह खाणा अपने हत्थां नाल नहीं खा सकता, पर लिखण ते कंप्यूटर चलाउण वर्गे रोज़ाना दे काम वह अपने पैरां नाल ही करता है। वधिया खेड प्रदर्शन सदका वह कई मैडल, शील्डां, ट्रॉफियां ते सर्टिफिकेट जित चुका है। भारत सरकार वालों उस नूं प्रशंसा पत्र दे के उस दे बुलंद हौसले की शलाघा भी की गई है। पठानकोट विखे स्केटिंग मुकाबले विच हिस्सा लैण आए चंदीप सिंह ने नौजवानों नूं संदेश दिता है कि वह खेडां वल प्रेरित होण। कोई भी काम मुश्किल नहीं हुंदा, इंसान दे अंदर बस हिम्मत होनी चाहीदी है। मेरा नाम चंदीप सिंह है, मैं बैनी इंटरनेशनल स्कूल जम्मू का स्टूडेंट हूँ। मैं कहना चाहता कि आज मैं प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट स्केटिंग कॉम्पीटिशन पार्टिसिपेट कर आया से, तो मैं बहुत वधिया लगे इतने आके। इतने आके मेरी मोटिवेशन तो हुई तो नाले मेरे नाल जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने भी बहुत मोटिवेशन हुई है। मैं इन्ना कहना चाहता कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, बच्चा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा कर जाए, पर कदम हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा विल पावर रखनी चाहिए अपने। और नौजवान पीढ़ी नूं कहना चाहता कि जो उसके स्पोर्ट्स वाल ज़्यादा वरन, नशियां तो थोड़ा दूर ही रहन, तो उन्होंने बहुत फायदेमंद साबित होएगा अगे फ्यूचर। से मैं डिस्ट्रिक्ट लैवल खेल चुका, स्टेट लैवल खेल चुका, CBSE नैशनल लैवल खेल चुका, तो नैशनल लैवल भी खेल चुका स्केटिंग विच और फुटबॉल विच। पहले मॉर्निंग तो सब तो पहले स्कूल जाना है, तो वह मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल है मेरे से। जियाँ कोई स्कूल काम होया तो फोटो स्टेट करवा के देना, कदम कदम मेरे से लिख भी देने सारा कुछ, तो बहुत हेल्पफुल है। फिर आते आके घर आके फिर ट्यूशन जाना, फिर उत्थे भी सेम रूटीन है। फिर उस तो बाद स्टेडियम जाना है, फिर उत्थे प्रैक्टिस वगैरह करनी है, फिर घर आना है, तो फिर पढ़ाई करनी है, तो फिर सारा कुछ। सारे कामों में उसका परिवार भी मदद करता है, जो हर मुकाबले उस दे नाल भी होता है। खाना पकाने तो लैके बूट पाउण तक सारे काम उसकी वड्डी भैण ते माता वालों किए जाते हैं। इस बारे उन्होंने गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि जदों चंदीप नाल हादसा होया तो उन्होंने नहीं सी जापदा कि दोबारा कदे खेड सकेगा, पर उसकी हिम्मत ने उसनू अगे वधन दिता।
जिस सदका वह नैशनल तक खेडिया है। उसकी वड्डी भैन ने कहा कि वह भी चंदीप तो प्रभावित हो के खेडां विच हिस्सा लैन लगी है। जो काम एक साधारण बच्चा नहीं कर सकता चंदीप वालों वह भी करन की कोशिश की जाती है। वह साढ़े सारयां दा प्रेरणा स्रोत है। असी जम्मू तो आए हुए हैं प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट। इतने स्केटिंग कंपीटिशन सी जिते कि सानू मैनेजमेंट वालों बहुत सम्मान मिलिया है। तो बेटे ने स्केटिंग की है तो नाल सारयां दे हौसले बुलंद होए कि अगर बगैर बाजू दे स्केटिंग कर सकता है तो साडे बाजू होंदे भी असी स्केटिंग क्यों ना करिए। असी भी इस तों ज़्यादा स्केटिंग कर सकते हाँ। असी भी हर पार्टिसिपेट हिस्सा ले सकते हाँ। मैं ये गल कहना चाहता अगर कोई भी हादसा या ट्रेजडी होंगी है तो उस तो घबराना नहीं चाहिए। अपनी व्हील पावर रखनी चाहिए है जिसकी अपनी व्हील पावर कायम है तो हर खेड हर मुकाम कामयाब हो सकता है। बस मैं इन्ना ही कहना चाहती हूँ कभी भी किसी को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए चाहे उस नाल जो मर्जी हो जाए जिंदगी। ये स्केटिंग कर पहले फुटबॉल खेलता सी फिर ये बाद इसने स्केटिंग ज्वाइन की। पहले मैं स्केटिंग नहीं करती सी इसनू देख देख के मैं इस नाल स्टेडियम रोज़ जाती सी लेकिन स्केटिंग नहीं करती सी। जब तो मैं देखा कि अगर ये स्केटिंग कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती फिर मैं भी स्केट्स लेते इस नाल रोज़ शाम में जाना प्रैक्टिस करना फिर वापस आ जाना। ये रोज़ इंज ही चलता रहा हर रोज़ फिर ये बाद इसनू CBSE क्लासेस जाने का भी मौका मिलया। उन्हें अब इंडिया नू भी रिप्रजेंट करना चाहता इंटरनेशनल लेवल ही जाके। बस इन्ना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी कदे भी कुछ हो जाए वड्डे तो वड्डी मुश्किल आ जाए कदे भी उसको अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर असी अपना हौसला आप छोड़ देंगे तो दूसरों नू ते सानू डीकरेज ही करना है। सानू लगे सी शायद नॉर्मल बच्चों तो थोड़ा मे भी पीछे हो जाए बट ऐसा कुछ नहीं होया। इवन इसने सानू सपोर्ट किया कि असी इसनों देख के सानू एनकरेजमेंट मिलती है कि अगर यो जा रहा है कि इन्ना कुछ कर सकते थे असी क्यों नहीं कर सकते। चंदीप की हिम्मत देख के जिथे स्केटिंग दे कोच ते स्कूल दे प्रबंधक उसकी हिम्मत की दात दे रहे ने उत्थे उन्होंने कहा कि ये उन्हां बच्चों लई प्रेरणा स्रोत है जो खेडण की हिम्मत गवा चुके ने। नाल ही उन्हां नौजवानों नूं भी संदेश दिता है जो नशे दे राह उत्ते चल रहे ने। उन्होंने कहा कि चंदीप सिंह तो प्रेरणा लैके नौजवान नशे वर्गियां बीमारियां नूं छड्डण ते खेडां विच अपना ध्यान लाउण। इत्थे ये भी गल जिक्रयोग है कि भावें चंदीप हादसे कारण अपनियां दोवें बाहां गवा चुका है पर उसके हौसले इन्ने बुलंद ने कि वह नौजवानों नूं खेडां वल प्रेरित लगातार कर रहा है। इस नौजवान के बुलंद हौसले नूं देख के साडा इस नूं सलाम है। स्केटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई श्री चंदीप सिंह जी के ऑनर में। उन्हें एक फिजिकल इनेबिलिटी है कि उनकी बाजुएं नहीं है, जब छोटे होते कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। बट उन्होंने ठाना जिंदगी में कि रुकावट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। उन्होंने स्पोर्ट्स को अपने पैशन को और आगे लेके गए तो स्केटिंग उन्होंने सीखना शुरू किया। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। 3 CBSE टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और अभी भी वो स्केटिंग को एज ए पैशन आगे लेके जा रहे हैं। तो उनके ऑनर में आज एक स्केटिंग प्रतियोगिता प्रतापवल स्कूल जो कि एक बोर्डिंग स्कूल और डे बोर्डिंग स्कूल है ऑर्गेनाइज की गई वहाँ पे और सभी बच्चों ने बहुत ही हर्षोल्लास से इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड मैं यही इनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि अपने इस विश्वास को कायम रखें और कोई भी चुनौती आती है उसको इसी तरह सामने करते रहें पूरी ज़िंदगी में तो सफलता ज़रूर उन्हें प्राप्त होगी। ऐसी नौजवान चंदीप सिंह के नाल जुड़ी हुई विशेष रिपोर्ट उम्मीद है तुहानू पसंद आई होएगी। हुण दिओ आ गया तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी।